सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सोमवंशी कलचूरी और मराठाओं के द्वारा पूर्व शासित राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य का एक बेहद ही खूबसूरत जिला है, जिसका एक नाम नंदग्राम भी रखा गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहें इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको राजनांदगांव जिले की हर वो जानकारी जिससे शायद आप अभी तक अनजान थे जानने को मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको और भी इसी तरह के वीडियोस देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1973 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से अलग होकर एक नए जिले राजनांदगांव का स्थापना किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित एक जिला है। दोस्तों, राजनांदगांव जिले का टोटल एरिया 8070 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 2535 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलों के अंतर्गत आता है। बात अगर राजनांदगांव जिले के बॉर्डर की करें तो ये जिला पूर्व में दुर्ग जिले से, पश्चिम में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और भंडरा जिले तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से, उत्तर में कवर्धा जिले से और दक्षिण में कांकेर जिले से घिरा हुआ है। बात अगर प्रशासनिक संरचना की हो तो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत 5 सब डिवीज़न खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और मोहला, 9 तहसील और ब्लॉक, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया, अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर, 798 ग्राम पंचायत और 1649 गांव आते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार राजनांदगांव जिले का टोटल पॉपुलेशन 15,37,133 है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन 7,62,855 और फीमेल पॉपुलेशन 7,74,278 है। वहीं बात अगर जनसंख्या घनत्व की करें तो राजनांदगांव जिले का जनसंख्या घनत्व 190 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, राजनांदगांव जिले का सेक्स रेशियो 1,015 महिला प्रति 1,000 पुरुष है, जो कि बेहद ही काबिले तारीफ है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो राजनांदगांव जिले में हिंदू 91.06%, बुद्धिस्ट 1.86% और अन्य धर्म के 7.08% लोग रहते हैं। बात अगर साक्षरता की करें तो राजनांदगांव जिले का साक्षरता दर 75.96% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 85.40% और महिलाओं की साक्षरता दर 66.70% है। राजनांदगांव में कई सारे शानदार शिक्षण संस्थान भी हैं, जहां स्कूलों में युगांतर पब्लिक स्कूल, वेस्लियन स्कूल, नीरज पेरेंट्स प्राइड स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, रॉयल किड्स कॉन्वेंट, JMJ नवजीवन स्कूल और बाल भारती पब्लिक स्कूल, जबकि कॉलेजों में अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनोमस कॉलेज, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग और अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जैसे सैकड़ों शिक्षण संस्थान यहाँ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, बात अगर चिकित्सीय सुविधा की करें तो राजनांदगांव जिले में जिला चिकित्सालय, शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, DNA क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, श्रीराम हॉस्पिटल और कई सारे PHCs और CHCs शामिल हैं। दोस्तों, राजनांदगांव तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे संख्या 6 इस जिले से गुजरती है, जबकि रेल मार्ग में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के हावड़ा मुंबई मेन रेलवे लाइन पर होने के कारण
या जिला कई बड़े शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बात अगर वायु मार्ग की करें तो छत्तीसगढ़ का मुख्य एयरपोर्ट यानी कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यहाँ से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, राजनांदगांव जिले में कई सारे शानदार टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जहां आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिनमें से डोंगरगढ़ की बड़ी ममलेश्वरी मंदिर और छोटी ममलेश्वरी मंदिर, प्रज्ञागिरी बुद्धिस्ट विहार, बर्फानी धाम, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ देवी मंदिर, मोंगरा डैम, शंकर टीपागढ़ पहाड़ी, त्रिवेणी म्यूजियम, मुक्तिबोध परिसर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, प्रिंसिपेट पैलेस और ऐसे ही अनेकों शानदार डेस्टिनेशन शुमार हैं। दोस्तों, राजनांदगांव जिले में बोले जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं में गोंडी, हिंदी, मराठी और छत्तीसगढ़ी भाषा मुख्य रूप से शामिल है। बात अगर इकोनॉमी की करें तो राजनांदगांव जिले के लोग मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हैं और 2018 के स्टैटिस्टिकल सर्वे के अनुसार यहां का पर कैपिटा इनकम 20,984 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। दोस्तों, बात अगर क्राइम की करें तो राजनांदगांव जिले का क्राइम रेट 228.22 है। तो दोस्तों, राजनांदगांव जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।